वीडियो सेशन ऑन स्नैप सीरीज। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कितने टाइप्स ऑफ टेबल्स होते हैं और उसको कब क्या यूज करना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत टेबल मैं गलत जगह पे यूज करूंगा तो मेरे परफॉर्मेंस में इश्यूज होंगे, बाद में फिर मेरे क्वेरीज फेल भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि बाद में फिर मॉनिटरिंग का बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा अगर आप सही टेबल यूज कर रहे हैं। गलत टेबल यूज कर रहे हैं तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगी और क्लाइंट को भी प्रॉब्लम होगी, जो यूजर देखना चाहता है डेटा को उसको भी इशू आएगी। तो तीन तरह के होते हैं, आप मैं बताऊँ, रेप्लिकेट टेबल होता है, राउंड रॉबिन होता है और हैश डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक एक्सटर्नल टेबल भी होता है जिसके हेल्प से हम ये तीन टेबल बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली भी बना सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं डायरेक्टली भी एक टेबल बना सकता हूँ, जिस तरह से मैं कुछ टेबल बना रहा हूँ कुछ मॉनिटर काइंड ऑफ स्टफ करने के लिए, दैट्स अदर थिंग दैट आल्सो आई कैन क्रिएट, और आई कैन क्रिएट विद इन द एक्सटर्नल टेबल। जनरली हम लोग एक्सटर्नल टेबल से शुरू क्रिएट करते हैं। एक्सटर्नल टेबल क्या होता है सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में भी जानेंगे, आगे भी एक्सप्लोर करेंगे किस तरह से कैसे एक्सटर्नल टेबल से भी काम करते हैं। एक्सटर्नल टेबल के बारे में थोड़ा बता देता हूं। एक्सटर्नल टेबल क्या होता है, एक जगह होती है जहां पे हमारा ब्लॉब स्टोरेज होती है, एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज, वहां पे हमारा डेटा पड़ा होता है, वहां से डेटा को उठाते हैं और उसके बाद हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं उसकी हेल्प से, ठीक है। स्टोरेज रिकॉर्ड हमने देखा होगा, स्टोरेज रिकॉर्ड में कोई एक फाइल पड़ी होगी या फिर कुछ डेल्टा टेबल्स काइंड ऑफ स्टफ पड़ी होगी, या फिर कुछ सी एस सी फाइल हो सकती है, डेल्टा टेबल हो सकती है, या फिर कोई पार्केट फॉर्मेट फाइल्स हो सकती है, तो डिपेंड करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितने तरह के फॉर्मेट सपोर्टेड है सिनैप में। अब दूसरा टेबल में बात करते हैं, राउंड रॉबिन क्या होता है। राउंड रॉबिन भी इंपॉर्टेंट होता है। राउंड रॉबिन बाय डिफॉल्ट आप कोई भी टेबल क्रिएट करेंगे वो राउंड रॉबिन से थ्रू होगा, ठीक है। राउंड रॉबिन किस लिए यूज होता है, लास्ट टेबल से राउंड रॉबिन यूज होता है, बट राउंड रॉबिन लास्ट टेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट प्रिफर किया जाता है अगर आप लास्ट टेबल का यूज कर रहे हैं तो आप हैश डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करें, ठीक है। अब राउंड रॉबिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, राउंड रॉबिन होता क्या है। राउंड रॉबिन होता क्या है, राउंड टेबल इज अ सिंपलेस्ट टेबल टू क्रिएट एंड डिलीवर फास्ट परफॉर्मेंस व्हेन यूज एज अ स्टेजिंग टेबल और आप ऐसे लोड्स, मतलब स्टेजिंग टेबल क्रिएट कर रहे हैं, इन दैट केस आप यूज कर सकते हैं। स्टेजिंग टेबल क्या होता है आप पूछेंगे, मतलब ज्यादा कुछ बड़ा टेबल नहीं है, छोटा मोटा टेबल है, तो उस केस में आप राउंड रॉबिन यूज कर सकते हैं। पर राउंड रॉबिन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, अगर मैं कुछ ग्रुप वाइज स्टेटमेंट डाल रहा हूँ, इसे चीज डाल रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एनी प्रोडक्ट आईडी के ऑन द बेसिस ऑफ एनी कॉलम, प्रोडक्ट आईडी लेके चलते हैं, प्रोडक्ट आईडी के बेसिस में दे रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट आईडी तो एक जगह पे नहीं होगा, एक गैंग बना के नहीं होती राउंड रॉबिन में, अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारा प्रोडक्ट आईडी। तो उस केस में क्या होगा ना, अगर बहुत बड़ा टेबल है तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि शफलिंग हो सकती है, आपका डेटा मूवमेंट होगी, शफलिंग होगी, तो क्वेरी पे थोड़ा टाइम लेगा। वही अगर मैं हैश डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तब क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट आईडी की अगर मैं ग्रुप बाय कर रहा हूँ, वो डिपेंड करता है कि आप किस आपका यूजर क्या चाहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप किस तरह के क्वेरी से आपका यूजर रन कर रहा है, आपका क्लाइंट जो जिस तरह के यूजर आपका क्वेरी रन कर रहा है उस हिसाब से आपको टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। और डेटा कितना है उतना भी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक कोई टेबल है, हैश डिस्ट्रीब्यूशन वाला बनाना है मुझे, बहुत बड़ा टेबल है, उसमें एक बंदा एक कॉलम है प्रोडक्ट आईडी, उसके बेसिस पे ही वो ग्रुप वाइज करता है हमेशा, ठीक है। उसने कुछ ऐसा रिपोर्ट बना के लिखा है, उसमें ग्रुप वाइज स्टेटमेंट ये लिखा हुआ, तो मैं क्या करूंगा, मैं हैश डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल बनाऊंगा, उसमें मैं हैश कॉलम में एक ग्रुप वाइज प्रोडक्ट आईडी डालूंगा, तो क्या होगा ना, प्रोडक्ट आईडी के जितने भी सारे होंगे ना वो गैंग बन के आ जाएगी। गैंग मतलब क्या, अगर 5-5 में थोड़ा दिखाऊंगा आपको, थोड़ा मैं करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे 333 है, तो 333 एक जगह पे आ जाएगी, तो क्या होगा ना, हमारा गैंग बन जाएगा, गैंग बन के रहेगा, तो आसानी होगी काम करने में और क्यूरी बहुत जल्दी फास्ट मूव रन होगी, ये इंपॉर्टेंट है हाई डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हमारा रेप्लिकेट टेबल क्या होता है, रेप्लिकेट टेबल भी आप पूछ सकते हैं, रेप्लिकेट टेबल बना दो टेबल होता है, बहुत छोटा टेबल है मेरा, तो फास्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं रेप्लिकेट टेबल बना दूंगा, आग बंद करके रेप्लिकेट टेबल यूज करना है मेरे को, जब बहुत छोटा छोटा टेबल है और बहुत कम डेटा है तो मैं रेप्लिकेट से काम चला लूंगा, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल हमारा ये है, माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट है, तो माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट को रेफर करें, उन्होंने बनाया तो बहुत ही अच्छा बनाया, तो पहले हैश डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट टेबल अक्रॉस कंप्यूट नोड्स, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा देता है, ठीक है। अब कुछ लोग बोले हैं कंप्यूट नोड्स क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूट नोड्स क्या होते हैं ये बता देता हूँ मैं आपको। मैं क्या बोल रहा था, कंप्यूट नोड्स क्या होता है, जो भी चीज़ आपको नहीं आती ना आप यहाँ पे सर्च करें,
कंप्यूटर नोड्स इन सिनेप्स, ठीक है, इसके बारे में आपको दिखा दे। कंप्यूटर नोड्स स्टोर ऑल यूजर डेटा इन एज़्योर स्टोरेज एंड रन पैरेलल क्वेरीज। आपको पता होगा, मैंने पहले ही बताया था, पैरेलल क्यू, जब भी आप कोई क्वेरी दे रहे हैं वो क्या करता है, व्हेन यू सबमिट अ क्वेरी देन द कंट्रोल नोड्स क्रिएट स्मॉल क्वेरीज ऑफ, जो आपकी क्वेरीज है उसकी स्मॉल क्वेरीज बनाएगी और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी उस सबको इंटू योर कंप्यूट नोड्स, इंटू योर कंप्यूट नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी जितने भी नोड्स आपको यहाँ पे, और उसको फिर पैरेलली एग्जीक्यूट करने के काम आएगा। जिस हद तक के बारे में कंप्यूटर नोड्स स्टोर ऑल यूजर डेटा इन एज़्योर स्टोरेज एंड रन पैरेलल क्वेरीज में रन होगा। जब भी आप क्वेरीज रन कर रहे हैं, कोई भी आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन पर होता है, बाय डिफॉल्ट 60 डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हमारा 60 डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आईडी कोई भी आ सकती है, रैंडम कोई भी आईडी आ जाती है, डिपेंडिंग अपॉन आईडी, यहाँ पे प्राइमरी की भी डालेंगे तो आईडी कोई भी आएगी, वन ऐसे नहीं सिक्वेंस ऑर्डर में कि वन आएगी, वन के बाद दो आएगी, फिर तीन आएगी, चार आएगी, इस तरह से नहीं, रैंडमली कोई भी उठा के दे देगा वो, ठीक है। आप ये देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिंस आईडी, ये डायग्राम देखें, यहाँ पे इस तरह से टेबल कंप्यूटर नोड्स में जा रहा है, गैंग बन के जा रहा है, मतलब 1111 वाला डिस्ट्रीब्यूशन एक साइड जा रहा है। सिंस आइडेंटिकल वैल्यूज ऑलवेज हैश टू द सेम डिस्ट्रीब्यूशन, सीक्वल एंटिटीज हैज अ बिल्ट इन नॉलेज ऑफ रो लोकेशन एंड डेडिकेटेड सीक्वल पूल, दिस नॉलेज इज यूज्ड टू मिनिमाइज डेटा मूवमेंट ड्यूरिंग क्वेरीज विच परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। मैंने जो बोला ना डेटा मूवमेंट, मतलब शफलिंग नहीं होती है डेटा को, बाय डिफॉल्ट अगर डेटा एक जगह पर नहीं होगा, शफल होगा, शफल क्योरिंग रन होगी बैकएंड में, तो उस केस में ज़्यादा टाइम लेगा आपको क्योरी का। देख सकते हैं इस तरह से टेबल साइज एनालिटिक्स इज मोर देन 2 GB आप यूज कर सकते हैं। रॉयल रॉबिन क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट राउंड्स एवनली अक्रॉस ऑल डिस्ट्रीब्यूशन, असाइनमेंट ऑफ रोज डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम फैशन में जा रहा है, उसको पता नहीं होगा, गैंग बनाकर नहीं चलते ये लोग। अनलाइक हैश डिस्ट्रीब्यूशन रोज विद इक्वल वैल्यूज आर नॉट गारंटीड टू बी असाइन टू सेम डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होता है, गारंटी नहीं कर रहा है, तो क्या इस केस में क्या होगा ना, आपका क्वेरी ज़्यादा परफॉर्मेंस में इशू आएगी, आपका ज़्यादा टाइम ले सकता है अगर नहीं कर किया है साथ में, यू नेवर नो, उसने गारंटी नहीं दे रहा, तो वो करा होगा नहीं करा होगा उसकी मर्जी, ठीक है, तो वो टाइम लेगा, शफलिंग हो सकती है डेटा को। एज अ रिजल्ट द सिस्टम नीड्स टू बी मूव, डेटा मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। आप ये तुम्हारा ये क्रिएट टेबल कर सकते हैं विद हैश डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ स्टफ, यही टेबल को हम क्रिएट करते हैं, और रेप्लिकेट टेबल का नहीं डाला है, रेप्लिकेट का नहीं डाला है, डाला नहीं है क्या रेप्लिकेट, आई थिंक इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में डालना भूल गए मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, लिखा होगा तो कहीं पे, आई डोंट नो, सीरियसली रीक्रिएट कर। बाय द वे मेरा वर्क स्पेस में कुछ नहीं आ रहा था, मैंने पिछली बार भी बोला था, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स डू वन थिंग, हम लोग सीक्वल सर्वर उसका विजुअल स्टूडियो का यूज़ करते हैं, और उसके हेल्प से हम लोग कुछ क्वेरीज रन करते हैं। डीएमबी वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था किस तरह से एक रेप्लिकेट नहीं राउंड रॉबिन टेबल बनाते हैं, ठीक है। इस वाले वीडियो में मैं आपको हैश डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ किस तरह से, मैं एक्सटर्नल टेबल के थ्रू नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको इस तरह से बना रहा हूँ बिना एक्सटर्नल टेबल के थ्रू टेबल बनाना, आप एक्सटर्नल टेबल के थ्रू हमें आने वाले वीडियो में बता दूंगा किस तरह से आपको बनाना हो। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, ठीक है, और डेडिकेटेड पूल में हमारा जो आप दे रहे हैं उसमें 60 डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाय डिफॉल्ट, आपको जैसे मैंने पहले बताया तीन तरह के टेबल होते हैं, हैश डिस्ट्रीब्यूशन वो ये होती है, राउंड टेबल डुप्लीकेट दैट काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, हैश सिक्वल सर्वर करूँगा, यही होगा मेरे ख्याल से एंड पॉइंट, यही है ना, आई थिंक यही है मेरे ख्याल से, यहाँ पर डालना पड़ेगा सर्वर नेम में डालता हूँ, और इसको सिक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन ये यूजर मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे विजुअल स्टूडियो, आप विजुअल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको किस में पता आता है, कुछ भी कर सकते हैं यार सीधे, और ऐसे ऐसे में यूज़ कर सकते हैं आपकी मर्जी यार, मैं ज़्यादा कुछ मैं वन ऑफ द टूल यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं, पर यहाँ पे वर्क स्पेस में दिखा नहीं रहा इसलिए मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव बीन यूजिंग दैट ओनली, सीधे ऐसा कुछ नहीं है। विजुअल स्टूडियो में थोड़ा टाइम भी लेता है यार, थोड़ा लैग भी करता है विजुअल स्टूडियो यार, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो लैग करता है, आप क्या कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता विजुअल स्टूडियो में, थोड़ा सा देखो यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्वेरी करता हूँ, ठीक है, एक क्वेरी मेरे को मिला था वहाँ से, ये वाला कॉपी उठाते हैं, कॉपी करते हैं, बाद में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बता दे, अच्छा मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इतना सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रिएट टेबल क्रिएट कर रहा है dbo.fact ये इंडायरेक्ट सेल्स, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी डालिए, इंटीजर डालिए, बाय द वे इसने प्रोडक्ट की को प्राइमरी की नहीं डाली है, तो उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा मैं, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत लोग नहीं बनाते प्राइमरी की यार, मन नहीं करता प्राइमरी, बट आई वुड सजेस्ट यू टू क्रिएट अ प्राइमरी
रिलेशनशिप बनाना जरूरी है. आई थिंक लाइक हमारा ये सपोर्ट नहीं करता, क्या बोले, फॉरेन की सपोर्ट नहीं करता स्नैप, तो एक थोड़ी सी डिसएडवांटेज है. रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं यार. हमारे इस पीरियड में कोर वाली सीरीज और वाली सीरीज मैंने एक्सप्लेन की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लस्टर कॉलम स्टोर इंडेक्स क्या है ये भी आप पूछ सकते हैं. इसके बारे में भी आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा यहाँ पर. सब कुछ गूगल में सर्च करें, ठीक है, गूगल सब बता देगा. वट इज़ क्लस्टर कॉलम इंडेक्स? क्लस्टर कॉलम इंडेक्स इज द फिजिकल स्टोरेज फॉर द एंटायर टेबल. फिजिकल स्टोरेज है. To reduce fragmentation of the column segments and improve performance, the cluster must store some data temporarily into the cluster index called data store. Yes, ये थोड़ा सा एक मिनट चार्जिंग लगा देता हूँ मैं, बता के हमें डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हैश डाला है और यहाँ पे प्रोडक्ट की, ये हमारा प्रोडक्ट की. ये क्यों प्रोडक्ट की डाल है? क्योंकि वो जो हमारा बंदा है, यूजर है, जो प्रोडक्ट की इसके साथ ग्रुप बाई कर रहा है, इसलिए मैं प्रोडक्ट की डाल रहा हूँ. ऐसे नहीं मैं प्रोडक्ट की अपने मन से डाल रहा हूँ, मैं ही डाल रहा हूँ. अगर वो इससे कर रहा है, ऑर्डर क्वांटिटी से कर रहा है, बार बार ग्रुप बाय, तो उसको ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पर डालना पड़ेगा. यूजर के हिसाब से करना है, अपने हिसाब से यहाँ पर नहीं करना, ठीक है, एक चीज़ है, ठीक है. यूजर जैसा काम कर रहा है उस हिसाब से करना है, बाकी आपको अपने मन में नहीं करना है. क्रिएट टेबल कर रहा हूँ, कमांड एग्जीक्यूटिव सक्सेसफुली. सेलेक्ट स्ट्रिक फॉर्म ये कर देते हैं, कंट्रोल सी करता हूँ, सेलेक्ट स्ट्रिक फॉर्म, कंट्रोल शिफ्ट ई आई थिंक तो होता है हमारा कमांड, हाँ कंट्रोल शिफ्ट ई. ये हमारा प्रोडक्ट की ऑर्डर आईडी की दैट काइंड ऑफ स्टफ प्रोडक्ट हो गया, ठीक है. अब ये मैं एक वन ऑफ द क्यूरी आपको बता रहा हूँ जो आपकी हमारा इस तरह से वो रन कर सकता है, ठीक है. क्या प्रोडक्ट की क्या करेगा ये, ठीक है, कुछ अमाउंट अमाउंट है, सेल्स अमाउंट है, ठीक है, ओके. वन ऑफ द क्यूरी जो हमारा बंदा लिख रहा है उसके बता देता हूँ आपको वो क्या कर रहा है. वन ऑफ द क्यूरी मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेलेक्ट क्या कर रहा है वो प्रोडक्ट की. सिनैप्स हमारा SQL सर्वर हमारा क्या होता है, SQL सर्वर हमारा वो नहीं होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता है. तो मैं स्मॉल में लिखूँ कैपिटल में लिखूँ, दैट इट डजेंट मैटर. सम कर रहे हैं, सम एक एग्रीगेट फंक्शन है, अगर आपको नहीं पता SQL सर्वर की बेसिक चीज आने वाली है. हाँ चल रही है हमारा, शायद फेसबुक इसमें ऑलरेडी कुछ वीडियोस अवेलेबल है पुराने वाले, तो वो दे सकते हैं. बाय द वे हमारा इसर भी आ जाएगा. सेल्स अमाउंट ये करा है, फॉर्म टेबल नेम क्या है ये ढाल ले रहा हूँ, DBA.fact टेबल, ठीक. और इसके बाद क्या करेगा ये, ग्रुप बाय कर रहा है, ग्रुप बाय ये कर रहा है, एक गैंग बन जाता है ग्रुप बाय में, ग्रुप बाय में एक गैंग बन जाता है. और उसको फिर ग्रुप बाय एक गैंग होता है, मतलब एक साथ आएगा वो ग्रुप बाय प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की सारे ग्रुप बाय कर देगा, ऑर्डर बाय करेगा प्रोडक्ट की, ठीक है. बाय द वे मेरे ख्याल से प्रोडक्ट की ये यहाँ पे और प्रोडक्ट की ग्रुप बाय प्रोडक्ट भी कर रहा है. आई थिंक प्रोडक्ट की फॉरन की नहीं है यार, सॉरी प्रोडक्ट की हमारा यूनिक नहीं है मेरे ख्याल से, कुछ ऐसे ऑर्डर डेट की दैट काइंड ऑफ स्टफ वो यूनिक होगा. आई थिंक प्रोडक्ट की मेरे ख्याल से सेम हो सकता है मेरे ख्याल से, इसलिए क्योंकि ग्रुप बाय कर रहा है ना वो, तो मेरे ख्याल से. तो ये इस तरह की बना तो क्यूरी है, इसमें वो ग्रुप बाय कर रहा है. अब ग्रुप बाय क्या, आपको ग्रुप बाय नहीं बताएगा, ठीक है, ग्रुप बाय नहीं बताएगा, जरूरी थोड़ा नहीं है, आपको सब कुछ आता है, सबको सब कुछ थोड़ा ना आता है. ग्रुप बाय स्विकल W3 स्कूल सर्च करें, जैसे मैंने बता दिया गैंग बना देता है, एक साथ आ जाता है. तो ग्रुप बाय स्टेटमेंट करता है क्या, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, रन हुआ मेरे ख्याल से, लोड ग्रुप बाय आ रहा है. ग्रुप बाय स्टेटमेंट ग्रुप रोज दैट हैव सेम वैल्यूज इनटू द समरी रोज, लाइक फाइंड नंबर ऑफ कस्टमर इन ईच कंट्री, कंट्री काइंड ऑफ स्टफ है. जैसे मैंने बोला आपको ग्रुप बाय कंट्री दैट काइंड ऑफ स्टफ होता है. अब उसने प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट की के हिसाब से क्यों किया है, अब प्रोडक्ट आईडी से, प्रोडक्ट आईडी में आपको थोड़ा दिखा देता हूँ किस तरह से क्या हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे रेप्लिकेट मतलब राउंड रॉबिन यूज कर रहा हूँ तो उस केस में क्या होगा, जैसे 111 एक साथ हुआ, साथ में मेरा यहाँ पे 444 भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है. और यहाँ पे अगर कोई दूसरा भी 44 है, मतलब या फिर मैं कंट्री नाम के चलता हूँ 44, तो अलग जगह पे है. और यहाँ पे कुछ ऐसे 222 हो सकता है, और यहाँ पे कुछ ऐसे अलग डिस्ट्रीब्यूशन में 1111, मतलब कोई एक साथ आते हैं ना, गैंग बन के आते हैं. फिर आपको वो गैंग सेम एक साथ गैंग नहीं है, ये 44 इधर है, इधर 44 है. अगर वही चीज में अगर आपको अगर यहाँ पे वो दिखाऊं मैं आपको, मतलब हायर डिस्ट्रीब्यूशन से कर रहा हूँ, जैसे 11 के जितने भी हैं सारे 11 एक साथ आएंगे. 11 की जगह पे आप कंट्री, एक कंट्री कॉलम ले सकते हैं, मतलब बाय द वे लाइक कुछ यूएस का एक साथ आएगा डेटा हमारा, फिर मतलब इंडिया का एक साथ डेटा आएगा, उस हिसाब से कोरिया का एक साथ डेटा आएगा, तो एक साथ बन के आ जाएगा. बट राउंड रॉबिन में क्या होता है ना, आपको पता ही नहीं, मतलब क्या एक यूएस का डेटा आ गया, दूसरा एक कोई कोरिया का डेटा आ गया एक साथ,
तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसमें शफल होगा जब कोई ग्रुप बाय लगा रहा है कंट्री से, कंट्री लेके चल रहा हूँ अभी, आप प्रोडक्ट आईडी में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंट्री लेके चल रहा हूँ यूएस कंट्री, तो उस केस में क्या होगा ना, ग्रुप बाय अगर आईडी आप कंट्री डाल के रखें तो फिर क्या होगा, तब उसको शफल करना पड़ेगा राउंड रॉबिन में, एक साथ सारे ग्रुप बाय करके एक डेटा सारे को एक साथ जाना पड़ेगा कंट्री, एक ऑन द बेसिस ऑफ कोरिया या फिर कोई भी यूएस का, सबको एक साथ जानना पड़ेगा। बट हेज शुबिन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये बंदा एक एक साथ पड़े होंगे सब, एक साथ 333 एक साथ पड़े हुए सारे जितने अभी कंट्रीज के, ये कंट्री मान के चलो आप, ये एक कंट्री फॉर एग्जाम्पल ये यूएस कंट्री है, ये इंडिया है, उस तरह से कोरिया जो भी है ठीक है, उस तरह से एक साथ रहेगा, तो उस केस में आपको शफलिंग पे प्रॉब्लम नहीं होगी, शफल नहीं होगा डेटा आपका। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये इन्होंने क्वेरी लिखा है इस बंदे ने, प्रोडक्ट की यूनिक नहीं है, प्रोडक्ट की हमारी यूनिक नहीं है ठीक है, वो रिपीटिव हो सकता है, जैसे कस्टमर्स हमारा, जैसे कस्टमर्स ऑर्डर बाई कंट्री किया, मतलब कंट्री अलग अलग सेम हो सकती है, मतलब एक बंदा डिफरेंट सेम कंट्री में दे सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं दे सकते, ऑर्डर बाई इन्होंने कुछ ऐसे अकाउंट निकाल दे कुछ ऐसे, ऑर्डर बाई क्या होता है, ऑर्डर बाई मतलब हमारा मतलब किस ऑर्डर में होगा, असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में एक करके आ जाएगा मतलब डेटा ठीक है, ऑर्डर बाई प्रोडक्ट की तुमने किया ठीक, ये हो गया हमारा डेटा ठीक है। अगर मैं इसका कुछ ऐसे क्वेरी देखूँ, इन्होंने कुछ क्वेरी डाल के रखी है, ये डाल दिया इन्होंने भी एक क्वेरी डाली सर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म को, जैसे डाल के बहुत बड़ा क्वेरी है, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट एक्सप्लेन नहीं करने वाला यार, यहाँ पे बहुत कुछ ठीक है। तो इस वीडियो में क्या जाना, हम लोगों ने किस तरह से हम लोग हैश डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल क्रिएट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट राउंड राउंड रॉबिन का टेबल क्रिएट होता है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन क्लस्टर कॉलम इंडेक्स ये सब चीजें डाल दें, और रेप्लिकेट टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं आप, रेप्लिकेट टेबल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रेप्लिकेट टेबल कर सकते हैं, सारे चीजें बारे में जानेंगे हम लोग। और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट की इसलिए किया है डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि वो बहुत बड़ा टेबल होगा, और इसमें एक बंदा है जो बंदा देखता है इसके डेटा को, वो प्रोडक्ट की से क्वेरी कर रहा है ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोडक्ट की के थ्रू बहुत ज़्यादा ग्रुप वाइज लगा रहा है, तो उसके वजह से मैंने यहाँ पे इसको हैज डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोडक्ट की जा रही है। ये हमारा वो कॉलम होगा जो बार बार रिपीटिव होता है, मतलब बहुत यूज करते हैं हम लोग ग्रुप में, इसमें भी कुछ झोल होता है, यूजर को हम लोगों को भी बोलना पड़ता है कि क्या वो जो स्टेटमेंट रन कर रहा है वो गलत स्टेटमेंट तो रेड नहीं कर रहा है, उसके परफॉर्मेंस उसके चक्कर में गड़बड़ तो नहीं हो रही है, वो भी चीज़ें जानेंगे हम लोग, फिर चीज़ें हैं वो आने वाले वीडियोज में बताऊंगा, इस वाले वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा बहुत आने वाले वीडियोज में भी टॉपिक रखते हैं हम लोग ठीक है। बाकी सीरीज कैसी लग रही है सिनेप्स की बता सकते हैं, सब कुछ कवर करेंगे, वर्कलोड मैनेजमेंट से लेकर सब कुछ कवर करने वाले इस वाली सीरीज में, सब कुछ हिंदी में ठीक, बाकी इंग्लिश वाली भी आ जाएगी आपको, बाकी इस वीडियो में इतना ही था, सिनेप्स का थोड़ा बहुत जान लियो, और आने अगले वीडियो में कुछ और चीज़ जानेंगे, टिल देन बाय एंड टेक केयर।